नहीं दे रहा, बोले उठ जाओ उठ जाओ, है ना। चलिए दिखाती हूँ। तो ये देखिए किस तरीके से एकदम यम्मी लुक आ रहा है, खाने में बहुत टेस्टी थी। अदरक का पूजा भी करनी है, ये दोस्तों थाईलैंड घूमना चाह रहा है। तो आप मेरे चैनल को ना फटाफट सब्सक्राइब करो, वॉच टाइम बढ़ाओ, ताकि मैं इसको थाईलैंड घुमा दूँ। एक भी वीडियो देखता नहीं है मेरी, है ना, टाइम नहीं होता है, तो इसको घुमा दूँ मैं थाईलैंड। डंडा ला मनु, क्या दिखाई दिया था अभी? एक हाथ और एक चोर गई। भूतनी का हाथ था, डायन डायन बोल डायन। और डायन अपने ही घर में है आज, उसका ना बुरा हाल करने वाले हैं। और वो डायन है ना, इसका बड़ा हाथ अभी पता चला, वो लीड छोड़ गई। हाँ लीड भी छोड़ गई, ये तो इसकी है राक्षस की। उसके अंदर तो नहीं आ गई डायन, देखना विशाल कुंभकरण तो हुआ है। डायन इसके अंदर तो नहीं आ गई चुड़ैल, इसको देख चुड़ैल है ये नीचे पड़ा एक व्हाइट कलर का चुड़ैल। हाँ ये थी वो चुड़ैल जो बाथरूम में हाथ छपा के आई थी, अभी ना के आई है चुड़ैल, है ना, है ना। क्या ये चुड़ैल है? कहाँ पे देखो, हाँ ये चुड़ैल, यही चुड़ैल थी ना। हाँ ये हाथ छपा के आई है पूरे उसमें बाथरूम में है, इतने इतने कोनी तक। क्या मुझे में आता मनु तेरे नहाते हुए, बस खेलती रहे, बड़ाई मत करियो। पक्का बता दे ये जल्दी से बुक उठा ले अभी, है ना बेटा, यश भी पड़ेगा ना, चश्मा उश्मा लगा के रेडी हो गया। और ये देखो पीछे देख कुंभकरण और ये राक्षस और ये तीन कुत्ते, मनु जब एक साथ हो जाए तो क्या हो। वही तो मैं बोल रही हूँ, दिमाग कहाँ से आता है तुम लोगों के पास, ना जिंद आ जाए ना, जिंद बोलते हैं, होते कि नहीं होते पता नहीं, पर अगर सुना है और वो आ जाए, बोलते ना खतरनाक होते, वो भी बेचारा हाथ जोड़ेगा कोनियों तक, बोलेगा भागो रे इधर से, तो है ना। तीन तीन कुत्तों के साथ ले गया ना, तो चार दिन बाद 2 लाख रुपए के साथ छोड़ जाएगा, पागल हो जाए। सिम्बा चुड़ैल बन गई, चुड़ैल ना नहीं बना सिम्बा को, चली बोल भाई मैं सिम्बा बहुत हो गई है अभी, जितना हंसेंगे ना उतना ही इतना एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये सोचेगा मैं क्या कर लूं। ये देख हंस लो और हंस लो कमीनो हंस लो, ये देखो मैं देख रहा हूं क्या बात है, ये चुड़ैल भी कर रही है। चलो अभी ना ये तो नहाली है, आपको मैं नहलाती हूँ, हैं पूजा भी करनी है, ये दोस्तों थाईलैंड घूमना चाह रहा है। तो आप मेरे चैनल को ना फटाफट सब्सक्राइब करो, वॉच टाइम बढ़ाओ, ताकि मैं इसको थाईलैंड घुमा दूँ। एक भी वीडियो देखता नहीं है मेरी, है ना, टाइम नहीं होता है, तो इसको घुमा दूँ मैं थाईलैंड। डंडा ला मनु, है ना, वो रेडी है वैसे, पता चला यश तेरे को ही पड़ गया किसी गलती पे, रख दे ये देखो हमारे घर में ये होता है ना, ये मारा इसके एक, नहीं आप नहीं, आप तो छोटे हो आप। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, निस दिन द्यावत मैया जी को निस दिन द्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। गुड इवनिंग माई यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग, आई होप कि आप अच्छे होंगे, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और ये देखिए सिम्बा जो मेरे पीछे बैठा है, तो इसने भी खाना लेटी खाया है आज, और मैंने क्या बनाया है, आज है सेकंड डे नवरात्रों के, और मेरा सेकंड डे है उपवास का। और तो जी मैंने बनाया है साबूदाने के और आलू की टिक्की, जो कि मैंने सैलो फ्राई किया है, ये देखिए। तो मैंने हल्का सा ऐसे तवे पर किया है, दिखाती हूँ आपको, खाने में बहुत टेस्टी बनी है, मैं खा चुकी हूँ, ये एक्स्ट्रा वाली है तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, अभी तब फटाफट भूख लगी थी तो मैंने खा लिया था। तो ये देखिए इसमें मैंने डाला है आलू उबला हुआ है, और आलू उबला हुआ, और ये जो है साबूदाना भिगोया हुआ 3-4 घंटे, मूंगफली भुनी हुई, हरी मिर्ची, हरा धनिया और ज़ीरा बस, और नमक सेंधा, और हाँ थोड़ी सी काली मिर्च भी मैंने डाली, उससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है, और हाँ थोड़ी सी मैंने अदरक भी डाली है।
तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये देखिए किस तरीके से एकदम यम्मी लुक आ रहा है, खाने में बहुत टेस्टी थी। अदरक का टेस्ट अलग से आ रहा था, काली मिर्ची का अलग से आ रहा था। तो आप लोग भी उपवास में ये सब ट्राई कर सकते हैं और हेल्दी भी है, ऐसा नहीं कि बहुत वैसा है। घी में मैंने डाला था, घी से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया था सेलो फ्राई, और जो है तवे पे तो डिप मतलब फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और बहुत अच्छे से पक गया था, क्रिस्पी भी आ रहा था, अंदर से सॉफ्ट था, एकदम साबुदाना गला हुआ था, और आलू तो ऑलरेडी गले हुए थे। तो आप लोग भी ट्राई करना, मैंने तो किया है भाई, बहुत टेस्टी है। और उधर देखो सिम्बा हो गया है रेडी, किसके लिए, खेलने के लिए, क्योंकि सिम्बा की नींद और खाना पूरा हो गया है। और ये देखो यश, हाँ, और ये देखो तो ये मेरा चेकअप कर रहा है मेरी टी शर्ट पे कि क्या है क्या नहीं है। गोल्ड कार्ड, ओके कार्ड। तो ये देखो पूरा ऐसे ऐसे टर्न करके कर रहा है। और ये दूध देखो मैं उठाना भूल गई थी, ऐसे पुणे में फटता तो नहीं है, जब लस्सी की याद आई तो दूध अंदर रखने का हुआ है। तो मैं रख देती हूँ इसे फ्रिज में। और ये मैंने सबके लिए बनाया है, तो नैनिका ने भी खा लिया है, और अभी जो है बचा है जिसको भूख लगेगी उसके लिए मैं बना दूंगी। और इसमें मैंने बनाए थे, ये मैंने डाला था इसमें जो है अपना ये बनाए मैंने पुलाव टाइप के, और इसमें डाला था मैंने सोयाबीन की बड़ी, क्योंकि विशाल को चाहिए थी वो, तो मैंने इसमें बना दिया। तो बहुत ही अम्मी सा टेस्ट फुल नहीं रहा एक्चुअली मेरे से। ये देखिए देखो इसको देखो कितनी जलन हो रही है, ये देखो यश जो है ना विशाल ने गोद में ले लिया, पहले ये पड़ा था तो यश को जलन हो रही थी, अब ये यश आ गया तो इसको हो रही है। देख टिकने नहीं दे रहा, बोले उठ जाओ है ना। खूब तो विशाल के हाथ काट लिए इसने, अब ये लेके आया अपना टॉय की भाई, अब मेरे साथ खेल लो। हाथ जोड़ लो भगवान के, ये देखो पापा के पास आ गया अभी। नौटंकी मत करो कैमरे के सामने कि डरा रहे हो इसको, बाद में ट्रीट दिखाऊं दोस्तों को। हाँ अम्मा अम्मा खेल ले अम्मा, माई खेलेगी आज, मैं बच्चे को अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ ना, मैं ही खेलूं मैं बच्चे के साथ, ऐसे खेलूं ऐसे तू मेरा हाथ निकाल लेगा। क्या कर रहा था फाट गोदी में है गोदी। और ये देखो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, बेचारे को कोई भाव ही नहीं दे रहा है ना, है और इधर देखो टीवी में ना कुछ नहीं चलना चाहिए भाई, हाँ मतलब देखो देखना नहीं है तो चलना जरूरी है टीवी, हमें नहीं देना उसका रिमोट, मैं वो बोल रही थी। हाँ चाहे खुद खेलता रहे, फिर ये टॉयज इकट्ठा कर लेगा इधर उधर और खेलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा देखता रहेगा, पर हमारा कुछ नहीं लगना चाहिए उसमें। भजन लगा लूं माता रानी के, आयशु बहुत अच्छे लगेंगे भजन लगा लूं। हाँ हवा की तरह घुमा देगा, छोटा सा पैकेट खड़ा हो रहा है, अंडे से निकला नहीं और बोल रहा अंडा तोड़ूंगा इसको। तू झूठे झूठे से ना यश के मार के देख, तू तेरे को कैसे ओए शिंबू बोले मार कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी गोद में बैठा भाग जाएगा, मैं आके बैठ जाऊंगा। ये ना हमारा कुत्ता, ये कुत्ता ना ये कुत्ता अलग किस्म का कुत्ता है, ये या पला बला सोचता है ये कुत्ता है ना। अरे शिमड़े चल शिमड़े मस्ती हो रही है, तू भी इन्वॉल्व हो जा, जा जल्दी जा खेल खेल खेल, तेरे को ही बोल रही हूँ गधे। ये देखो जी सुबह सुबह का टाइम है, और यश देख ले जितनी मस्ती कर रहा ना झेलने की कैपेसिटी रखना उतनी, ठीक है, फिर रोना नहीं, रोए ना तो दोनों पिटोगे, जो उनसे इसने चिड़चिड़ की तेरे से बचने के लिए तो ये पिटेगा, ध्यान रखियो ठीक है, ठीक है ना। मस्ती करो तो उतनी करो जितनी झेल पाओ, और तू भी सुन ले ओए बाल बाल फाड़े ना तो मेरे को मत बोलियो, एक ये देखो एक औलाद ये कम थी जो ये औलाद मैंने पंगा ले लिया,
ये एक और, ये भी इन जैसी निकम्मी होती जा रही है, है ना? मेरे को तो फिश ही बहुत अच्छी लगती है। अपना बेचारी चारा खा लेती है और एक टैंक में ना अपने पानी में मस्त में अपना घूमती रहती है। हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। ये देखो बोल रही है, ये देखो, हाँ बोल रही है, बोल रही है। खाना नहीं मिला क्या इन्हें आज? नहीं। ब्लैक वाली कहाँ गई? ब्लैक वाली वहाँ है। ओह माय गॉड, वो उधर क्यों छुपने लगी? उसको काई तो नहीं पसंद ना। देख कैमरा गया ना तो चली गई वापस। दिख रही है दोस्तों आपको, फिर से छुप गई। अरे कहाँ छुपना आता है भाई, कहाँ छुपना आता है इसको? कहाँ छुप गई है ब्लैक वाली? ओ कहाँ छुप गई? बस आ जाओ, पापा से पूछते, खाना नहीं दिया होगा ना नहीं तो दिया। इसके साथ खेल लो, मरने को हो रहा है, झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। एक बार कर लो, उदंग कर लो, मेरे पेट में चढ़ गया देखो। अब नहीं देना, लेकिन ये देखो मेरे कहाँ चढ़ा हुआ है पेट पे। मैं दिखती हूँ तेरे को, देख करो, उदंग कर लो, खूब कर लो। नहीं कर लो थोड़ा सा तो, इसकी ये ना जो गर्मी है ना निकल नहीं रही है। अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ, फिर बाद में निकालोगे ना तो तुम लोगों को लगाऊंगी। तू झाड़ू लगाना तेरे बालों से, और इसको घिसेड़ घिसेड़ के पोछा लगाऊंगी। देख ले ये करना है इसको, ये करना है। बताओ सभी के पेट ऐसे है क्या यार? कोई देख रहा है दोस्तों, कमेंट करना कि हमारा ही ऐसा शैतान है या सबके ही ऐसे होते हैं इस एज में। कितने महीने का हो गया ये? हाँ, दो कुत्तों की फाइट हो रही है अभी। लग जाएगी मजाक में भी। इस गधे को तो कुछ पता नहीं है, ये तो पागल हो जाता है। ये देख, अरे राम मेरा घुटना तोड़ दे, मेरे को मत छोड़ दू। अब बाहर जाने की इजाजत किसने दी है? सिम्बा हीरो बन रहा आजकल। इधर बैठ के ना, कल बाहर कुत्ते गली के भौंक रहे थे, इधर बैठ के पूरा बहु 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 पंचायत में शामिल। हाँ पहले सुनेगा, फिर ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली भोंक रहा था, फिर उसका जवाब दे रहा था। वेदर कुछ इस तरीके से है, बहुत ही अच्छा हो रहा है अभी तो। ये देखिए